तुमने इस बंदे को अब तक कहीं ना कहीं जरूर देख लिया होगा, चाहे वो बिग बॉस OTT हो या फिर रील्स पर कुछ अलग टाइप का कंटेंट बनाते हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 27,000 पोस्ट डालने के बाद, इतनी सालों की मेहनत के बाद, सिर्फ एक हफ्ते में 300 केसेस सीधा बंदा 2.8 मिलियन में पहुंच गया। आज की वीडियो है पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन ऑफ लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। देखते हैं कि आपकी जनता की रैंक क्या है। अरे नंबर दो पे हो आप। हेलो जी, मेरा नाम है लक्ष्य एंड मैं मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हूँ। एंड काफी टाइम से ना मैं पर्सनालिटी ब्रेकडाउन्स भी करता हूँ। रिसेंटली मैंने हनी सिंह का किया, उससे पहले मैंने ईयर सोमर होल्डर का भी किया था, जो कि बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था। पुनीत सुपरस्टार की पर्टिकुलरली बात करूँ ना, इस बंदे को मैं तब से देख रहा हूँ जब से टिकटॉक पे वीडियोज डालता था। उस टाइम पे मैं भी टिकटॉक कर रहा था, 4-5 लाख मेरे भी फॉलोअर्स हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि एज अ बिजनेस ही हमें ट्रीट करना पड़ता है हर सोशल मीडिया को। उस टाइम में भी यही सेम कंटेंट जो तुम्हें आज देखने को मिलता है, इसी तरीके का कुछ ना कुछ था। उस टाइम की अगर बात करूँ, इस बंदे को बहुत ज्यादा हेट मिलता था। मैं खुद देखता था कि भाई काफी लोग इसको पीट भी रहे हैं और इस तरीके से कमेंट्स में जलील करते थे कि भाई कुछ कहने की हद नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इस बंदे की लगी कि रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। लोग इसको आज तक क्रिंज तो बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये बंदा चढ़ गया? सारी गेम वही है। पुनीत ने कभी अपने मुंह से नहीं बोला भाई मुझे क्रिंज मत बुलाओ, मुझे रोस्ट मत करो, मेरे साथ ये सब चीजें मत करो। उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता है, बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, अपने काम में बिजी है, अपने कॉन्टेंट बनाने में उसको बिल्कुल मजा आता है, तो वो किसी की नहीं सुनता, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये वाला पर्सनालिटी ट्रेड अगर हम अपनी लाइफ में लाएंगे ना, तो भाई बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परसिस्टेंस। सारे आजकल के नल्ले मेरे छपरी लड़के जाए बड़ी कोटी मंगल वाली लड़कियों को दिखाने के लिए बिग बॉस के सेट में आए थे। अब हजारों वीडियो और लाखों कमेंट्स के बाद पुनीत को ये तो समझ आ गया था कि अगर मेरी जनता के साथ मुझे रहना है तो मुझे इस तरीके का कंटेंट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जनता तभी पसंद करेगी। किसी भी बिजनेस में ना अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी होता है, एंड आई थिंक ही डिड इट सो वेल। यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म में टारगेट ऑडियंस जानना बहुत जरूरी है। एंड अगर तुम टीयर 1 वाले लोगों को गलियों वाले ब्लॉग्स दिखाओगे शायद वो ना देखे, लेकिन वहीं पर टीयर 2 और 3 वालों को दिखाओगे मेलो वाले ब्लॉग तो वो जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर एक एस्पेक्ट आता है जिसको बोलते हैं भाई ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। भाई सीखो, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। उसको पता है मैं कीचड़ में लेटूंगा, अपने ऊपर गोबर लगाऊंगा या फिर अपने मुंह पर पेस्ट फेंकूंगा तो मेरी ऑडियंस को खुशी मिलेगी, उसको पता है वो उनको खुश रखेगा तो आगे सपोर्ट और ज्यादा बढ़िया मिलेगा। अगले पर्सनालिटी ट्रेड की अगर बात करूं तो भाई वो बंदा गरीबों को भी खाना बांटता है, तो ऑटोमेटिकली कोई भी उसको देख रहा है तो व्यूअर को पता है कि भाई हाँ इंसानियत नाम की चीज आज भी जिंदा है लोगों में। दैट इज व्हाई ही इज लॉर्ड फॉर अ रीजन। मुझे जहां तक लगता है मे बी उस बंदे ने अपनी लाइफ में सेम चीजें देखी हो, ऐसी गरीबी देखी हो, और वो चाहता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो सामने वाला बंदा सेम चीज ना देखे। ये सब चीजें जो है मे बी एलीट जनता को समझ आए और उसको वो मॉक करेगी, यार ये क्या बकवास कर रहे, क्या चीजें कर रहा है। लेकिन भाई ग्राउंड लेवल पर रियलिटी डिफरेंट होती है, उनको नहीं पता, वो गरीबों के बीच में नहीं रहते तो उनको नहीं पता कि वो कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं। बहुत डिफरेंस है प्रैक्टिकल अप्रोच। मैंने बताया ना टिकटॉक पे ये बंदा बहुत टाइम से वीडियोस डाल रहा था, लेकिन लोग इसको उस टाइम पे सुपरस्टार सुपरस्टार लॉर्ड लॉर्ड बोल के कमेंट में मॉक करते थे, सरकास्टिक कमेंट करते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि आज के टाइम में सच में इसको लोग ऐसा मानेंगे। पुनीत को खुद नहीं पता कि उसके इतने सारे जाने वाले हैं। सॉफ्टली बात सॉफ्टली अपने मुंह से बोल रहे हैं, बस कर, अबे तू कर, बस कर, बस कर, तू एक्टिंग मत कर, मैं करूंगा सॉफ्टली कर रहा हूं, तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही कर ले एक्टिंग, चुप, अरे तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या मैं? बेवर डालो तुम सबने सुन लिया होगा, नल्ले बेरोजगार छपरी। तो भाई ये मुझे लगता है बड़ी ना अंदर की नर्व से ये चीज निकल के आ रही है। मे बी उसके माँ बाप या जो भी है उसके आसपास उसको बोलते होंगे कि तू ये सारी चीजें हैं, एंड उस चीज को ह्यूमर में कन्वर्ट करना भाई कमेंडेबल काम है। अब मान लो तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं कि मेरा बेटा तो बिल्कुल निकम्मा है, इसके बस की कुछ नहीं है, और तुम उदास होकर बैठ जाओगे कमरे में, वहीं इस बंदे को अपॉर्चुनिटी दिख गई, उसने कहा कि अब ये चीज अगर मैं अपने वीडियोज में डालूंगा तो क्या पता लोग रिलेट कर पाए, लोगों ने किया। तो ये नेवर बैक डाउन वाला एटीट्यूड मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा पुनीत सुपरस्टार में। उस बंदे को खुद भी पता है कि हाँ यार 3 से 4 साल बाद उसकी ये चीज ना आए और वो मर के भी खुश होने वाले बंदों में से, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात और हो नहीं सकती है। यूजुअली मैं बिग बॉस देखता नहीं हूं, लेकिन इस बार मुझे पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान ने इतना ज्यादा मजबूर कर दिया। फुकरा इंसान को मैं इसलिए पर्सनली भी नहीं जानता हूं, मैंने वीडियोस बहुत ज्यादा देखी एंड आई अडोर दैट गाय, एंड काफी कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि यार आपकी शक्ल तो फुकरा इंसान जैसी लगती है, तो मैंने कहा चलो इस बंदे को जरा बिग बॉस में भी देखे कि हम पर्सनैलिटी भी हमारी मिलती है। तो आई एम लविंग द शो, एंड ऑब्वियसली भाई अपना पूरा सपोर्ट है फुकरा इंसान को, एंड मैं चाहता हूं कि वो जीत के जाए और हमारे लिए यूट्यूब कम्युनिटी का जो एक बड़ा सा बैनर है ना कैरी फॉरवर्ड करके एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर पाए, क्योंकि मैंने अभी शो में ये देखा है कि हल्का हल्का ना साइडलाइन किया जा रहा है, और वो बहुत कॉमन चीज है क्योंकि सारे एक्टर्स भरे होते हैं हमेशा से, भाई एक्टर्स आते थे उनको क्या पता था कि यूट्यूबर्स में इतनी ताकत होती है कि एक बार बंदा खड़ा हो जाए तो उसके पीछे कितने सपोर्ट करने वाले, बिकॉज वी गाइज आर रियल, हम जो चाहते हैं हम तुम्हें बोल देते हैं, हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग एंड आई रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन एज वेल, लेकिन एक बंदे को साइडलाइन करना और नीचा दिखाना इज नॉट एट ऑल गुड, फिर चाहे वो भाई कोई भी हो तुम्हारी लाइफ में। तो ये थोड़ी अलग सी वीडियो थी इस चैनल पे, वैसे मैं फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट और ग्रूमिंग का कंटेंट रिलेटेड मैं ज्यादा बनाता हूं,
हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक पर्सनालिटी ट्रेट वाली वीडियो इस बंदे के लिए जरूर बनी, क्योंकि मेरे दिल से ये वीडियो बाहर निकल के आ रही थी। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब जरूर कर लेना द घबरू लाइफ को, एंड डू फॉलो मी ऑन माय लक्ष्य ठाकुर वाला चैनल, यहाँ पर भाई व्लॉग्स एंड अनबॉक्सिंग हॉल्स तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। फॉलो कर सकते हो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।